अस्सलाम वालेकुम प्यारे YouTube फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और कोरोना की बीमारी से बचा के रखे। बहुत मोहलक बीमारी है। तो व्यूअर्स, आते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। ये मेरी मेकअप सिटी की शॉपिंग है। आज से तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ये मैंने मेरी एक स्टूडेंट को रिकमेंड किया था मेकअप सिटी का, और ये वहाँ से शॉपिंग करके आई हैं। मेरे आज के व्लॉग का मकसद ये है कि मैंने अभी इसकी ये चीज़ें खोली हैं। इसकी क्वालिटी इतनी लो क्वालिटी है कि गली मोहल्लों में सेल होने वाली प्रोडक्ट जो है, मेरा ख्याल है वो भी इज इक्वल टू होगी। ये पेनकेक हैं। मैंने आज हम लोग तो ज़ाहिर है, मैं तो तकरीबन पिछले 25 साल से ये चीज़ें देख रही हूँ और यूज़ कर रही हूँ। आपको भी दिखाती हूँ कि ये देखें इसकी मेकिंग। ये वीडियो में बहुत क्लियरली ये आ रहा है कि इसका मेकिंग फॉल्ट, जो हम पहले केक्स यूज़ करते थे या जो पहले प्रोडक्ट यूज़ करते थे, उसकी पैकिंग और मेकिंग जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। $2350 का है आई थिंक ये केक आया है, 2340 का, 2340 का ये केक आया है फ्रेंड्स। और इसमें ये देखिए आप, ये मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, जो मेरी व्लॉगर्स हैं वो सब लोग, और जो जो भी मेरी ब्यूटिशंस बहनें यूट्यूब पे हैं, वो इस मेरे इस व्लॉग को सही तरह से नोटिस कीजिएगा कि हमें मेकअप सिटी जो है वो मेड बाय जर्मनी का टैग तो दे रही है, लेकिन मेड बाय जर्मनी जो आज से 15 से 20 साल पहले हम ये चीज़ें यूज़ करते रहे हैं, ये हमारे केक्स की या हमारे क्रेलोन की वो क्वालिटी नहीं है। ये लोग चाइना से बनवा रहे हैं और चाइना से बनवा के हमें टैग कर रहे हैं मेड बाय जर्मनी का, जबकि ये मेड बाय चाइना है। इसका वेट मुझे नहीं पता, मैंने ग्राम्स में नहीं चेक किया, लेकिन ये मुझे हाथ में पकड़ के बिल्कुल भी वो चीज़ फील नहीं हो रही जो हम आज से पहले अपने केक्स में देखते थे। मार्केट में जो 200-400 रुपए में केक्स अवेलेबल हैं वो बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं। अब ये बताएं कि हम मेकअप सिटी पर रिलाई नहीं करें तो फिर और किस पर रिलाई करें? हमारा क्लाइंट तो हमसे मांगता है क्वालिटी, मांगता है मेकअप ख़राब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। अब इस बात का क्या हल है? मेरा आपसे ये बात शेयर करने का मतलब ये था कि पता नहीं हम किस कैसे रिलाई कर सकते हैं। हाँ, मैं NM से भी कुछ शॉपिंग करती हूँ, लाहौर से मैं राजा साहब से कुछ शॉपिंग करती हूँ, लेकिन वहाँ अगर मेकअप सिटी के ही आउटलेट्स हैं तो हमारी मजबूरी है। अब क्या करें, हम कहाँ जाएँ? परेशानी की बात तो है ना। तो आप लोग भी प्लीज़, सब लोग अपनी वैनिटीज़ खोलें और ये चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने केक्स की, जो आप जिस किसी के पास, मेरे पास इस वक्त पुराना कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर आप लोगों के पास कुछ पुराने केक्स या पुरानी इस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसमें ये मेकिंग फॉल्ट नहीं है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आया ये मेरी सिर्फ़ गलतफहमी है या ऐसा है। लेकिन ये गलतफहमी नहीं हो सकती। 1997 में मैंने कोर्स किया था और तब से लेकर अब तक ऐसा कैसे हो सकता है कि जर्मनी अपनी डाइज और अपनी ये चीज़ें सब चेंज कर दें? ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।